क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 का यह महा मुकाबला गोला और सवालापुर के बीच खेला जाएगा। 12 ओवर का यह मैच रहेगा जिसमें की 4 ओवर पावर प्ले के रूप में खेले जाएंगे और एक बॉलर केवल ही 3 ओवर डाल सकता है, इससे ऊपर ओवर नहीं डाल सकता है। फलों में शुरू होने वाला है। कैप्टन ने ताजी के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और देखना होगा कि यह निर्णय कहां तक ये सब साबित कर पाएंगे सवालापुर के। और यहीं पे देखना होगा गोला के गेंदबाजों और ये पहली बॉल और जाने दे कैप्टन राजे अंपायर का फैसला और यहाँ पे काफी उछाल देखने को मिली और देखना होगा बैट बॉल और काफी अच्छी बॉल और अगली बॉल और कैप्टन राजा ने अपना अपनी टीम का घाटा 6 रनों का घाट खोला और यहाँ पे पीछे पटकी बॉल और देखना होगा और 4 रन काफी अच्छा पिक किया, जितनी इतनी छोटी बॉल की नहीं जितना अच्छा पिक किया राजा ने और बहुत ही शानदार पिक शॉट किया 4 रन वापसी कर पाएंगे और फिर से जाने दिया बा और यहाँ पे मिसमेल कीपर द्वारा देखना होगा क्या कितने रन एक्स्ट्रा के रूप में आएंगे। अंपायर का फैसला 22 का 1 रन और गेंद खेल दिया देखना होगा जी कोई रन नहीं और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जरूर खुश होंगे और जैसे ही टॉस जीता राजा ने पहली बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, फिर से कट कर दिया गली के क्षेत्र में गेंदबाजी लाइन के बाहर जा चुकी 4 रन के लिए इसी चौके और छक्कों में डील करते हुए शिवालापुरा के कैप्टन राजा जबरदस्त बल्लेबाजी बल्लेबाजी करते हुए जनता है। गेंद काफी स्लो में गेंद थी, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वे इस टूर्नामेंट का पूरा कैप्चर करते हुए उनके चैनल पर भी आप इस मैच को देख सकते हैं, तौहीद निक सर्च करके इस टूर्नामेंट की झलकियां आप देख सकते हैं। काफी अच्छे यूट्यूबर हैं और मैं सभी से दरखास्त ये करूंगा कि उनका चैनल ज्वाइन करें और खेलों के लड़के ने किया साथ जाए करें। पब्लिक कोई समस्या है या कमेटी के सहयोग की जरूरत है तो आप हमें बताएं, हमें कमेटी के मेंबर सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाए और समस्या को समझे आकर के। शायद इस बार ओवर द विकेट उनकी गेंद उठा कर गेंद लेते हुए कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर से हेलीकॉप्टर शॉट घुमाया, अच्छी तरीके से संपर्क हुआ नहीं, हालांकि आसानी के साथ एक शर्ट की गेंदबाजी के लिए खेल किया है जो कि गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि फील्डर की भी कोई खास दिलचस्पी नजर नहीं आई इस गेंद को रोकने में क्योंकि गेंद पड़ने के बाद काफी स्लो हो गई थी। गेंद फिर से हवा में, फील्डर को गेंद के नीचे नहीं आना, तौर पर जाते हुए कोशिश करते हुए बाउंड्री सतह रोकने की कामयाबी मिली वहां पर तो फ्री हिट है और स्ट्राइक पर अब होंगे राजा। काफी आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। से पहले विषय का और अवैतिक में घुलता हल्के हाथों से प्ले किया, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन अच्छी तरीके से संपर्क नहीं हुआ बल्ले से, नो फुल टॉस थी जिसके जब स्कोर है 44 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शिवालापुर हुआ। नासिर पहली गेंद फुल टॉस फील्डर वहां पे मौजूद उनके पास से थोड़ा दूर गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए उनका विकेट निकाला गया और अपील वहां पर होती हुई गेंदबाज ने स्लोवर गेम खेल दिया है। हमने बाउंड डिजाइन में गेंद के बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए इंपायर का इशारा शट ऑफ लेंगे 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट स्कोर 75 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे शिवालापुरवा काफी अच्छी स्थिति में। पहली गेंद फील्डर वहां पे मौजूद, हालांकि फील जरूर हुई जो कि कुछ समय से स्ट्रगल कर रहे थे फर्स्ट विकेट। और देखने वाली बात यह है कि बल्ले इतना शोर क्यों है गौरव खिलाड़ी बल्ले पर स्कोर है 85 रन एक विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर। गेंद पर सर 5 शॉट लगाना चाहते हैं
जो फैसला लिया था उनके कप्तान को बच्ची ने भी जमीन जरूर होता है लेकिन अच्छा कैच काफी आगे निकल गए थे जज करते हैं गेम को वहीं पर फिर अध्यक्ष भी आप पोजिशन ले आए और एक बेहतरीन कैच और पैसे की पारी समाप्त हुई कुछ सुकून जरूर मिला होगा गौरव और पटेल गौरव कर दिया गौरव नौ ओवर की समाप्ति पर और ये ओवरपिच बॉल और आगे मार दिया सामने की ओर छक्का काफी पावर जनरेट इस बॉल पर और पटके बॉल और शानदार बह गई बॉल 119 रन और यहाँ पे छह रन सुजैन को भी पता है छह रन आक्रमक बैटिंग देखने को मिली है यहाँ पे और कैश है छह ला 11वें ओवर में 31 रन ये और डेढ़ सौ रन पूरे शिवाला परवा के ये देखिए गेंद आ गई ये और अगर कुछ बॉल दो जाओ और सामने की तरफ चक्का पर चाहे के कहते ना मेन राउंड से और मरा है जब ना आएगा भाई और यहाँ पे टकरा अपने बिल्डर तक आपस में टकरा चुके हैं और यहाँ पे रन आउट हो चुके हैं प्रशांत और गोल और खेलते ही रन की मांग लेकिन अच्छी फील्डिंग का मजा देखने को मिला है बाबा फेस कर रहे हैं और देखना होगा कि किस तरीके से इस रन चेज में बैट्समैन अपना योगदान देते हैं और अच्छी वापसी कहनी होगी आफ्ताब के लिए फेज बाबा और उनके साथी इमरान खेलते हैं और एक बार फिर गिरा तो खेला और रन की मांग और कोई भी रन नहीं अच्छी फील्डिंग टीम का स्कोर और यहाँ पे बॉल कर दिया है और बिना काका को ले जाते हुए अदर और यहाँ पे बैक टू बैक दो विकेट गिरते हुए यहाँ पे दूसरा ही ओवर अभी चल रहा है टीम करती हुई बउआ अगली गेंद लेकर आदर्श के लिए और यहाँ पे धीरे धीरे डिफेंस कर दिया है कोई विकेट अपने नाम किए हैं बउआ ने और पारिक और इस इनिंग के पांचवें बॉल आदर्श के लिए और यहाँ पे गिला दूसरे डिफेंस किया है कोई भी रन नहीं काफी कैंडिडेट है अगली बॉल और यहाँ पे स्वीप शॉट माना जाते थे एक एक रन काफी नहीं होंगे वो भी जानते हैं बैट्समैन वर्सेस शिवाला परवा के बीच और यहाँ पे अरे और यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथ में और कैच ड्रॉप किया और लो बुडन और यहाँ पे काफी अच्छा ड्राइव खेला और चार रन एक आधा और झटके लगाए और मैच को खत्म करें और यहाँ पे इसी बीच सुल्तान बॉल और स्लिप की जानिब गई है बॉल देखना होगा यहाँ पे
अगली बॉल आदर्श के लिए, और यहाँ पे अच्छी बॉल ढीले हाथों से डिफेंड किया आदर्श ने, और ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर गोला, और फ्लोर बॉल को अच्छा तो क्या है और मार दिया है 6 रन, काफी जगह लगा सिक्स है, फिर बाबा के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और गोला की टीम के लिए दिया पहला सिक्स, और ढीला तो खेल दिया है, देखना होगा यहाँ पर नौ का मौका, और मिस के बाद टीम का स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर गोला, पांचवा ओवर और फुल टॉस बॉल खेल दिया है, और कैप्टन राजा को कैप्टन राजा गेम को फील करेंगे और एक रन नहीं लेने से रुक पाएंगे, फिर बाबा को वही मौजूद है और इनसाइड एक जगह है और फील्डर उसके पीछे भागते हुए देखना होगा, आसानी से फील किया और एक रन और खेल दिया है, और अच्छी फील्डिंग के लिए होगी आफ्ताब के लिए, पर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर गोला, फेस करेंगे पारी का छठा ओवर स्टार्ट होता हुआ, और यहाँ पे केस ड्रॉप उनके लिए उनकी टीम के लिए, और यहाँ पे उठा के खेल दिया देखना होगा, और फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन, और इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी अगर एक्सपोजर रन के लक्ष्य को पूरा करना चाहेगी गोला की टीम को, एवरी शॉट अब अमूमन उनको लगाने होंगे, और विचित्र प्रकार से खेला है ये अगली बॉल एयरफॉल हो रहा है तो, और पन्ना का थोड़ा नीचे रही और कीपर से थोड़ा फंबल होता हुआ, और उसी फंबल में एक रन 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर लेकर आए स्लोअर बॉल, काफी अच्छी बॉल और उसी एक अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, और खाली बैट चल रहा है, बॉल और बैट का कोई भी संपर्क नहीं देखने को मिला इस ओवर में खेल रहे हैं, और पहली बॉल के लिए अगले फुल टॉस बॉल और देखना होगा, और अच्छा ट्राई किया फील्डर्स ने, लेकिन जज ने समाप्ति पर टीम का स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर गोला, और ग्राउंडेड शॉट मारा है फील्डर गौरव, फील करेंगे और एक रन आसानी से पूरा करेंगे फैज बाबा, 24 ओवर 35 रन रेट, अगली बॉल कटकी बॉल और काफी धन्यवाद छक्का मारा है आदर्श ने सामने की तरफ, और इसी प्रकार बैटिंग करनी होगी, लगभग 24 रन प्रति ओवर चाहिए हैं गोला को जीतने के लिए, तो चार बड़े छक्के हर ओवर में लगाने होंगे उनको, पटकी बॉल और खेल दिया है गौरव उसके नीचे बॉल के नीचे और आसानी से कैच, और ये तीसरा झटका लगता हुआ गोला की टीम को, मैच को जल्द से जल्द फिनिश करना चाहेगी सेवाला पुरवा की टीम, और टेबल चला पड़ेगा 9 ओवर लेकर, और खेल दिया है फैज बाबा ने बिल्कुल सीधा और अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे मात्र एक रन ही मिलेगा, और यहाँ पे घुमा के मारा है फैज बाबा ने 6 रन, काफी गंदी बॉल थी और स्लो बॉल, और पटकी बॉल और बसे जब पुल किया है, और यहाँ पे शानदार सिक्स, बैक टू बैक 2 छक्के मार चुके हैं फैज बाबा प्रगति पर है, और एक बार फिर से उठा के मारने की कोशिश और सीधा फील्डर को नहीं पाया, और एक आसान सा कैच लिया और चलता गया फैज बाबा को फैसल ने, 9 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है, और बॉल डाले थे और उसका कोई भी तोड़ नहीं दे पाया, केवल सीधा बॉल होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बैटिंग करने, और यहाँ पे गिरा दो कहना चाह कोई भी, और यहाँ पे आगे खेल जाए देखना होगा, और मात्र एक रन टाइम बाकी रह गई है, और यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथ में खेल दिया है टाइम, और एक रन बनने न रोक पाएंगे, और नौ अच्छा फ्री हिट है, और फ्री हिट बहुत ही अच्छी बॉल दे भाई माइक, अच्छी हार गेमिंग होगी गोला के लिए, और फ्लोर और बॉल और निचला हिस्सा लगा दे काफी रन नहीं, बाइक बॉल और फुल टॉस बॉल और खड़ी कर दिया देखना होगा, और आसानी से कैच
एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाने के अपनी टीम को सफल बनाया और यहाँ पे खेल हुआ है और चार फील्डर के ऊपर है चार रन। कम से कम यहाँ से 100 रन तो बना दिए और अब युवा गौरव के लिए और गौरव की और एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर अच्छी बॉल फील्डर के हाथ में अच्छी बॉल अच्छी बात ही नहीं गौरव के लिए और एक बार फिर से अगली बॉल और एक बार फिर से फील्डर के साथ बीट होते हुए और ये ग्राउंड स्ट्रोक मारा है और एक रन आसानी से पूरा करेंगे 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर शिवरापुरिया के खिलाड़ियों का। इस बार गेंद का अच्छा संपर्क बल्ले से बिंदु बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए लेकिन आए हुए दर्शकों का मनोरंजन जरूर कर देती है। मात्र 2 गेंद इस पारी की बची हुई और बैक बॉल उस बार फिर से ऐसा महसूस हुआ है कि गेंदबाजों पर बड़ा दबाव बना हुआ है। वाइट शाहजहां नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 और वाइट बॉल हैट्रिक का पहला मुकाबला में शिवरापुरिया ने टॉस जीतकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 167 रनों का स्कोर बनाया 103 रन बना पाई है और यहां से मात्र एक टीम 103 रनों पर सिमट गई गोलाकोटा लाजवाब जीत कही जाएगी शिवरापुरिया के लिए जिसमें बहुत ही जबरदस्त नजर आए राजा और फैसल जिन्होंने मजबूत शुरुआत दिलाई और उसके बाद जब आए गौरव तुलानी उनका जबरदस्त दबदबा रहता है ग्राउंड पर और आज कुछ उसी तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की। पहले तो लगातार 5 छक्के लगाए और उसके बाद अपनी पारी में 7 छक्कों के साथ टीम का स्कोर 167 रन के पार पहुंचाया और जवाब में जब गोला की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो 103 रन ही मात्र बना पाई। साथ ही काफी शर्मनाक हार कही जाएगी गोला के लिए और जबरदस्त एम्पायरिंग का अंजाम दिया मुदस्सिर और सुहेल आज के एम्पायर जो थे उन्होंने और हमारे कैमरामैन अयूब साहब ने जो की जिम्मेदारी लाइव मैच देखना है तो हमारे अयूब भाई के चैनल पे देख सकते हैं रिएक्शन दुनिया तौहीद लीग ने भी पूरा कवरेज किया है उनको भी आप सुन सकते हैं तौहीद लीग यूट्यूब पर। थैंक यू।